So hello everyone. Uh today we'll be talking about the budget 2024 that was recently released on 1st February 2024. So there are some key takeaways from the budget. So it is very important for us to know about it. Chalo. Let's start. Interim budget 2024. So let's so 10 key takeaways. फर्स्ट वन इज दैट देर इज नो चेंज इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेट तो भाई जो डायरेक्ट टैक्स हमारा इनकम टैक्स होता था और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा जिसको जीएसटी भी बोलते हैं तो इनमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा जो भी हमारे स्लैब रेट थे पहले वही सेम स्लैब रेट इस साल भी रहने वाले हैं सिमिलरली जीएसटी के जो रेट पहले थे वही सेम रेट इस साल भी रहने वाले हैं गवर्नमेंट विल लॉन्च अ स्कीम टू हेल्प मिडिल क्लास फैमिलीज लिविंग इन रेंटेड होम्स टू बिल्ड एंड बाय देयर ओन होम्स तो भाई गवर्नमेंट ने पहली बार एक ऐसी स्कीम निकाली है जहाँ पर मिडिल क्लास को बोला जा रहा है कि हम आपके लिए एक स्कीम निकालेंगे जिसमें आप अपना खुद का घर खरीद भी सकोगे या फिर बना भी सकोगे यूजुअली ये स्कीम इसलिए निकाली गई है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज जो यूजुअली uh, माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज वो बेचारे अपना घर छोड़कर यहाँ पर आते हैं फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए एक स्कीम निकाली जाएगी जहाँ पर वो अपना खुद का घर खरीद सकेंगे रादर दैन लिविंग इन रेंटेड होम्स उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर हाइक बाई इलेवन परसेंट टू इलेवन पॉइंट इलेवन लैक करोड़ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोडिक्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस साल बढ़ेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम हम हमें पता है ऑलरेडी दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दोज लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक रोड रेलवे नेटवर्क एट्सेट्रा एयरपोर्ट्स पर भी बहुत फोकस किया गया है तो उसके लिए इंक्रीज किया गया है उसके अलावा फिजिकल डेफिसिट प्रोजेक्ट किया जा रहा है 5.1 इज लोअर देन द रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ 5.8 इन तो भाई फिज डेफिसिट हमारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इस साल कम होने वाला है पिछली बार के कंपैरिजन में विच इज अ गुड न्यूज उसके बाद गवर्नमेंट विल बोरो अराउंड फोर्टीन पॉइंट थर्टीन लाख करोड़ इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव विच इज लोअर देन फिफ्टीन पॉइंट फोर्टी थ्री लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो इस साल हमारा जो बोरोइंग्स रहने वाली हैं गवर्नमेंट की वो भी कम होने वाली हैं वो भी डिक्रीज हो रही हैं तो ये बहुत अच्छी मतलब ये हमारे लिए एक अच्छी है एट अ कंट्री लेवल दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर अस दैट वी नीड लेस मनी टू रन द नेशन लेस मनी फ्रॉम आउटसाइड बोरोइंग्स हमारी कम होने वाली है इसके अलावा छठा जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो कहता है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव इज प्रोजेक्टेड एट टेन पॉइंट फाइव परसेंट तो नॉमिनल जीडीपी हमारी टेन पॉइंट फाइव परसेंट है विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस दैट अब मैं बता दूं यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी होती है जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया गया है तो रियल जीडीपी निकालने के लिए अभी हम नीचे चलते हैं इन्फ्लेशन रेट विच स्टैंड्स एट अराउंड फोर परसेंट तो फोर परसेंट के अराउंड हमारा इन्फ्लेशन रेट है तो उसको अगर एडजस्ट करें तो हमारी रियल जी जो आती है हमारे पास वो रफली अराउंड सेवन है विच इज वेरी गुड

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन टारगेट सेट एट 21.99 लाख करोड़ के भाई डायरेक्ट टैक्स का 2025 में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 22 लाख करोड़ के अराउंड हमारा आने वाला है डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स के थ्रू और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है टारगेट सेट किया जा रहा है एट 16.22 लाख करोड़ रुपीस सेविंग्स ऑफ अप टू ₹15 टू 18000 पर एनम इस प्रोजेक्टेड अंडर प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना अब देखो ये योजना क्या है? इसमें कर रही है कि एनर्जी पे हम स्विच उसकी से स्विच करके वी आर मूविंग टू तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो इसमें क्या किया जाएगा स्कीम के अंडर वन करोड़ गिवन सोलर पैनल्स जिसकी मदद से वो अराउंड एक साल में लगभग पंद्रह से अठारह हजार रुपए बचा पाएंगे so this is also one of the scheme that government is focusing on so thank you so much everyone for watching the video and i hope you have gained something from the video so thank you so much